परम आदरणीय परम वंदनीय सभी पूज्यवरों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। जीवन को ध्येय देने वाले, मुश्किलों में हौसला देने वाले, जीवन को ध्येय देने वाले, मुश्किलों में हौसला देने वाले, प्रयासों में प्रेरणा देने वाले और शिखर तक ले जाने वाले, ऐसे गुरुवर्या के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग देखते हैं संसार में चार प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं चर्मदर्शी। चर्मदर्शी यानी क्या? जो सिर्फ चमड़े की परख करते हैं, रंग, रूप, हाइट, बॉडी, इसकी परख करने वाले होते हैं, कैसे दिखते हैं इसके ऊपर वो लुभ जाते हैं। दूसरे होते हैं मर्मदर्शी। मर्मदर्शी वे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के विचार, भावना, व्यवहार, वाणी का व्यवहार आदि की परख करते हैं, उसके ऊपर वे लुभाते जाते हैं। तीसरे होते हैं कर्मदर्शी। कर्मदर्शी वे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति का कार्य क्षेत्र देखते हैं, किस क्षेत्र में कितना कार्य किया है, उस कार्य की वे परीक्षा करते हैं और कार्य से प्रभावित होकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। चौथे होते हैं धर्मदर्शी। धर्मदर्शी वे लोग होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उनकी आंतरिक आध्यात्मिक बैठक कैसी है, आंतरिक शक्ति का, ऊर्जा का प्रवाह कैसे उनका बढ़ रहा है, कैसे उनकी आंतरिक स्थिरता बढ़ी है, इस दृष्टि को देखने वाले कुछ लोग होते हैं। ऐसे चार प्रकार के लोग परीक्षा करने वाले होते हैं। तो मुझे ये कहना है कि हमारे जो बेन मारा साहब है, इनके सामने कोई भी व्यक्ति आए, चारों प्रकार में से कोई भी व्यक्ति आ जाए, चर्मदर्शी आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उनमें प्रेम, माधुर्य और दिव्यत्व का सुंदर मिलाप है, इसलिए चर्मदर्शी लोग भी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं उनको देखकर। दूसरे हैं मर्मदर्शी लोग, जो उनका प्रवचन सुन लेते हैं, उनकी वाणी के दो शब्द भी कान में चले जाते हैं तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनके सरेंडर हो जाते हैं, और उनको उपमा, प्रवचन के लिए क्या उपमा देनी, उनके प्रवचन के लिए उपमा क्या देनी है, वे स्वयं उपमेय बने हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा बोलने वाले हो, कोई साध्वी जी अच्छा बोलते हैं, कोई संत अच्छे बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि एकदम प्रीति सुधा जी महाराज साहब की कॉपी है। कोई भी बोलने लग जाते हैं तो उनकी उपमा देते हैं कि एकदम प्रीति सुधा जी महाराज साहब बोल रहे हैं, ईसो वाटे, मतलब उनकी उपमा लोगों को दी जाती है, इतनी प्रवचन पर उनकी कमांड है। तीसरा है कर्मदर्शी लोग जो आते हैं, वो उनका कार्य क्षेत्र देखते हैं, कार्य क्षेत्र में क्या क्या बातें हैं, हर जगह पर कौन सा भी कार्यालय, सामाजिक हो, राजकीय हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, हर कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका कार्य क्षेत्र इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि आप सब लोग उससे विदित है ही। गोरक्षा का काम हो, या बहुमंडलों के निर्मिति का काम हो, संघों के निर्माण का काम हो, धर्म स्थानों के निर्माण का काम हो, या शिक्षण क्षेत्र का काम हो, हर क्षेत्र में उन्होंने इतना ज्यादा कार्य किया है कि उस कार्य को गिनते गिनते हमारे कितना समय बीत सकता है। तो इतना बड़ा कर्म क्षेत्र है। तो कर्मदर्शी जो लोग आते हैं वो तो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और पूरे सरेंडर उनके सामने हो सकते हैं। फिर आए हैं धर्मदर्शी लोग। धर्मदर्शी लोग जो आते हैं, वो जिनको वो दृष्टि होती है, धर्म की दृष्टि जिनके पास होती है, सम्यक दृष्टि जिनके पास होती है, वो जब इनको देखते हैं तो देखते से ही उनको अनुभव होता है कि अरे बाप रे, कितनी ऊर्जा इनके अंदर है, कितनी शक्ति इनके अंदर है, कितनी स्थिरता इनके अंदर है, आंतरिक शक्ति का आध्यात्मिक बैठक इनकी कितनी जोरदार है। इस प्रकार से उनको उस दृष्टि से वे देखते हैं और वे भी इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न, अष्ट व पहलू व्यक्तिमत्व वाले हमारे पूज्य बेन मारा साहब है, और हमें क्या लगता है, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। शब्दांना ही कोड पडाव इतकी गोड काही माणसं असतात, शब्दांना ही कोड पडाव इतकी गोड काही माणसं असतात। आपलं केवढं भाग्य असतं जेव्हा ते आपली असतात, आपलं केवढं भाग्य असतं जेव्हा ती आपली असतात। तर असे आपले बेन मारा साहब आहेत,
कणसात काही कणस दानेदार असतात तर माणसात काही माणस बाणेदार असतात। असे बाणेदार आमचे बेन मारा साहब आहेत आणि ते काय आहे, तुम नमोकार साकार श्रेष्ठतम मंत्र पूत हो, तुम नमोकार साकार श्रेष्ठ मंत्र पूत हो, जो संत होके गए हैं उनके आप शब्द दूत हो, जो संत होके गए उनके आप शब्द दूत हो। ऐसे बेन मारा साहब को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत ढेर सारी बधाइयां तो देते ही है। आपका तन स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे और आत्मा प्रशस्त बनती रहे, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर सर।